61 गाय हम लोगों ने लोहागढ़ा से पकड़े थे और यहाँ पे रखा गया था। हम लोगों ने इन लोगों को पैसा भी दिया है खिलाने के लिए, फिर भी इन लोगों को हम कल आए हैं तो देख रहे हैं, हमको न्यूज़ मिला कि हमारा एक गाय मर गया और कल रात और भी दो गाय मर गया। आप किनको पैसा दिए थे और कितने पैसे? भूतनाथ गौशाला को दिए थे 25,000। और कैसे दिए थे? अकाउंट ट्रांसफर किए थे, उसका जो प्रूफ है। कितने दिन पहले? कितने दिन? 17 तारीख को भेजे थे उनको पैसा। तो क्या आज गौशाला मतलब गाय को जो है चारा तो नहीं खिलाया और खुले आसमान के खिलाया? देखिए आप तो देख ही सकते हैं खुद, ठीक है, कुछ भी नहीं खिलाया, कुछ परवरिश नहीं की, सबका मरने जैसा हालत हो गया है। कितने गाय की मौत हो गई? 3 का मौत हो गया अभी, एक को कल इन लोगों ने गाड़ दिया, उसके लिए भी हमसे 1,500 रुपया कैश में लिया है, जिसका मांगने से भी मुझे कोई रिसिप्ट भी नहीं मिला। मतलब हम लोगों का व्हाइट मनी यहाँ पे ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो रहा है भूतनाथ गौशाला में। भूतनाथ गौशाला में तो जैसे आपकी गाय जो है खुले आसमान के नीचे है, बारिश भी हो रही है। देखिए ये केस प्रॉपर्टी है और दिया गया है जिम्माना इस भूतनाथ गौशाला को, फिर भी ये लोग कुछ नहीं देख रखे रहे, लगातार बारिश हो रहा है, बारिश में ये लोग भीग रहे हैं, बारिश में इनके सारे के मुंह में और पैर में कीड़ा फैल चुका है, एफएम भी हो गया है सबको। हम लोग यहाँ पे जो मतलब पूरी तरह से लापरवाही बरती है, पूरी तरीके से लापरवाही। आप एक बार फोटो ले लीजिए ना, देखिए पूरा कीचड़ भरा हुआ है। हालांकि जो प्रबंध कमेटी है, जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, ये जो है गाय पिछले एक महीने से मैं खुद भी इस गौशाला में आया करता हूँ अक्सर 2-3 दिन 4 दिन के उपरांत, है ना, लेकिन सारी गायों की खाने की देखभाल की, ये 68 गाय गो ज्ञान फाउंडेशन के लोगों ने पकड़ कर गौशाला को सुपुर्द किया है। क्या लग रहा है खाना पीना नहीं मिला है? वही भोजन का, गाय दो आज मरी हैं, दोनों गाय ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले 20 दिनों से उनको कुछ भोजन नहीं मिला है और जो है और आने जितनी और बाकी सारी गायें सारी बीमार पड़ी हुई हैं। तो क्या मांग करेंगे प्रबंध कमेटी के खिलाफ? हम लोग ये मांग करते हैं कि जो ये जो यहाँ के प्रबंधक हैं, जो मैनेजर हैं, उनको तत्काल जो है प्रभाव से निरस्त किया जाए और इनका स्थान पर जो है एक अच्छे व्यवस्थापक को। क्या नाम हुआ आपका? संतोष सिंह नाम हुआ। वो रखा जा रहा है, क्या कहेंगे? वो गाय जो है सो एनजीओ के अंदर में है, एनजीओ उसका देख रेख करता है, खाना पिलाना वही के लिए खिलाता है, सभी मवेशी को चपचपिया पकड़े हुए हैं। खाना पीना कौन खिलाता है? कोई एनजीओ का। तो 25,000 रुपया आपने किसने लिया? मतलब 25,000 रुपया का वो चारा खरीद करके जिन्हें दिया जाता है, इस अकाउंट में भेजा है, स्टाफ उनका है, दो का स्टाफ की नहीं है, वही उसकी देख रेख की नहीं करता है, सभी मवेशी को चपचपिया पकड़े हुए हैं, चपचपिया पकड़ने से मुंह में जख्म हो जाता है और उस जख्म के कारण मवेशी खाना दाना के लिए छोड़ देता है और उसमें कमजोर हो जाता है। तो इसी कारण से गाय की मौत हो रहा है? इसी कारण से गाय की मौत हो रही है। मतलब कहीं पे गौशाला की कहीं गलती नहीं है? इसमें गौशाला का कोई ये नहीं। तो जगह गौशाला का है? हाँ, जगह गौशाला का होने से। अच्छा, एनजीओ का मान लेते हैं 65 गाय, आपके अंदर का भी गाय का तो वही हाल है, अंदर वाले गाय के बारे क्या कहेंगे? उसमें भी जो आप देख रहे हैं वो एनजीओ के ही गाय है, जो गाय मतलब आपका प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, सरकार का ही प्रॉपर्टी है। आपको जो अभी नजर आ रहा है वो क्या? शुभ नाम हुआ आपका? हमारा राजदीप मिश्रा। क्या है यहाँ पे? हम यहाँ अकाउंट का। अच्छा, ट्रस्ट में कौन कौन है? ट्रस्ट में मतलब जैसे यहाँ समिति से भी नहीं चलता है। हाँ, कौन कौन है? जैसे SDO होते हैं, इसका चेयरमैन, ठीक है, जिला पशुपालन पदाधिकारी इसके मेंबर के नहीं होते हैं। सचिव कौन है? सचिव के नहीं है त्रिलोक जैन, उपाध्यक्ष में के नहीं है ललित कुमार मित्तल, और कोषाध्यक्ष कौन? मेंबर में